दोस्तों आज के इस मुशायरे के माइक ऑपरेटर जो है नौशाद, जो हैदर रेडियो के नाम से जाने जाते हैं, मैं तो बहुत नाराज था उनसे कि माइक का मामला था, लेकिन मैं जितना नाराज था उनसे कहीं ज्यादा खुश हूँ आज, इसलिए कि वो माइक इतना अच्छा चला रहे हैं कि इंशाल्लाह ये माइक के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के हवाले से जाने और पहचाने जाएंगे। इन्होंने 150 रुपए का मुझे इनाम दिया, पैसे से मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूँ। इनका माइक बहुत अच्छा है, माइक एक आला हुआ करता है आपको कामयाब करने के लिए इस मुशायरे को। एक बात है, बड़े अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ आपके लिए मैंने शुरुआत में मेहमान शायरों का जो मामला शुरू कर दिया था, एक मेजबान शायर है हमारे तैयार का, आपके लिए मैंने उन्हें छोड़ा, चंद अशआर के लिए बहुत खूबसूरत शायरी लिखा है जनाब ज़ैनुद्दीन मारूफी, बहुत अच्छी आवाज से जाना पहचाना जाता है आपके तैयार का। आइए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ नाते नबी गुनगुनाने के लिए कि पेदरी का ये मुकद्दर भी तो हो सकता है, कहिए सुभान अल्लाह, पेदरी का ये मुकद्दर भी तो हो सकता है, अरे शहर तैबा में मेरा घर भी तो हो सकता है, और मेरे सूखे हुए होठों का उड़ाना मजाक इनकी तकदीर में कौसर भी तो हो सकता है। आइए जनाब ज़ैनुद्दीन मारूफी अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर स्टेज पर बैठे हुए शोरा इकराम, उलमा इकराम, दीगर मेहमान इकराम और हाजरीन सामने इकराम, एक नाते पाक का मतलब चंद शेर बतौर खास नजर इधर मैं बार बार ये सब देख रहा हूँ कितना मैं क्या कर रहा हूँ। दिल के धड़कन ने ये बताया है, दिल के धड़कन ने ये बताया है, अब मदीना करीब आया है, अब मदीना करीब आया है। चौथे मिसरे पर शिरकत चाहता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि दिल के धड़कन ने ये बताया है, अब मदीना करीब आया है, करके दो तुके चांद आने, करके दो तुके चांद आने, करके दो दिखाया है,
शेर बतौर खास मुलाजा करें दाई से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं के पैसा पता कंगन करे को आने कंगन करी को आने क्या बाबा से कलमाए ला इला पढ़ाया है दिल के धड़कन ये बताया है अब मदीना करीब चंदा शार बतौर खास नहीं है बाबू थोड़ा सा मुख्तसर कर दो हट जाओ फिर बाद में पढ़ लेना नहीं नहीं तुम नहीं आखिरी मतलब पढ़ लो बस वक्त नहीं है एकदम कितने आले है शान आका के कितने आले है शान आका के कितने आले है शान आके कितने आले है शान आके रब ने अर्श बरी बुलाया है वाह भाई वाह ज़ैनुद्दीन सुभान अल्लाह रब ने अर्श बरी बुलाया है वक्त वक्त बहुत कम है अभी हमारे मेहमान शायद बाकी हैं इसलिए मैं चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम